एक बार कुछ कलीग्स का ग्रुप अपने ऑफिस की पार्किंग में बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तो अचानक से उनके सामने एक वाइट कलर की चमकती हुई रोल्स रॉयस एंटर करती है। तो उस कार को देखते ही उनकी आंखें चमक जाती हैं, और कुछ देर बाद जब वो कार अपनी उसी पार्किंग के अंदर पार्क हो जाती है और उसके जब गेट ओपन होते हैं तो उसके अंदर से उस कंपनी के चेयरमैन बाहर आते हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलिए हम अपने बॉस को चल के बधाई देते हैं, क्योंकि जो रोज मर्सिडीज में आते थे तो वो अगर आज रोल्स रॉयस में आए तो ये ऐसी बात जरूर है कि इन्होंने ये कार आज ही ली होगी। तो वो सब लोग अपने बॉस के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, सर ये कार बहुत प्यारी है, हमने ऐसी कार अभी तक कहीं पर नहीं देखी है। तो वो बॉस उनसे कहते हैं कि आप और अच्छे से काम करिए, जितनी मेहनत से आप काम करेंगे तो उतनी जल्दी आप ऐसी ही कार ले सकेंगे। पर उस टाइम पे उस बॉस के माइंड में थॉट चल रहा होता है कि अगर ये और अच्छे से मेहनत करेंगे तो अगले साल तक मैं एक और रोल्स रॉयस ले लूँगा। तो कॉर्पोरेट से मोस्टली यही होता है, वर्कर से पूरी मेहनत कराई जाती है पर जो उसका फ्रूट होता है वो बॉस को ही फाइनली मिलता है। सो दिस इज अ क्विक स्टोरी। तो आज की इस मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक्स बता सकूं कि जिससे आप लोग अपनी स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव कर सके और जो उसकी स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है वो आप सीख सके। तो आप देखिए स्टोरी टेलिंग क्यों जरूरी है। आपने अभी तक जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स को सुना होगा वो कभी ना कभी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर जरूर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो स्टोरी टेलर्स नहीं रहे होंगे तो वो अपना जो मैसेज है वो अपनी ऑडियंस को कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आर्ट है ये मैं आपको सिखा सकूँ और आप आगे चल के काफ़ी अच्छे स्टोरी टेलर्स बन सकें। तो सबसे पहली टेक्निक है कि आपको अपना वॉइस मॉड्यूलेशन मेंटेन करके रखना है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन किस तरह से काम करता है, तो देखिए जैसे मैंने बोला कि अचानक से एक वाइट कलर की रोल्स रॉयस एंटर करती है, तो इस टाइम पे मैंने अपनी जो वॉइस है उसको काफ़ी लो टोन पे ले गया ताकि आपके मन में हल्का सा सस्पेंस क्रिएट हो। फिर जैसे ही मैंने बोला कि जब उस कार का गेट ओपन होता है और उसके अंदर से उस कंपनी के चेयरमैन बाहर आते हैं, तो जब मैंने चेयरमैन पे काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम का टोन यूज़ करा तो इससे आप एकदम से कॉन्शियस हुए और आपने मेरी तरफ ध्यान दिया। तो जैसे कि आपने नोटिस करा कि मेरी टेक्निक क्या थी आपको कॉन्शियस करने के लिए, तो ये बेसिकली वॉइस मॉड्यूलेशन से मेंटेन होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी रखनी है, और वोकैबुलरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रामेटिकल वर्ड्स यूज़ करने हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे वैल्यूबल हिंदी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो जैसे कि मैं बोलता कि एक वाइट कलर की रोल्स रॉयस एंटर करती है और उनके माइंड में थॉट आता है द कार वॉज वेरी स्प्लेंडेड, तो स्प्लेंडेड का जो मीनिंग है ये मोस्टली आज से ज़्यादा ऑडियंस को नहीं पता हो सकता, तो ये उनके माइंड में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है। और अच्छे स्टोरी टेलर का काम ये होता है कि अपनी ऑडियंस को इतने सिंपल वर्ड्स यूज़ करो ताकि उनके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो थर्ड पॉइंट इज आपको एक 3D एक्शन क्रिएट करने हैं। जैसे कि मैंने आपको इमेजिन करवाया कि एक कार एंटर करती है और उसका जब गेट ओपन होता है तो कुछ कलीग्स आपस में डिसाइड करते हैं कि अपने बॉस के पास जाए। तो ये होते हैं 3D एक्शंस जो आपकी हैबिट के साथ धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज आपको अपनी ऑडियंस को छोटी छोटी चीज़ें फील करानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया अर्ली मॉर्निंग हो रही होती है, कुछ कलीग्स का ग्रुप अपनी पार्किंग में बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तो आप सोचिए अगर मैं नहीं बताता कि अर्ली मॉर्निंग हो रही है तो आप कैसे समझते कि टाइम क्या हो रहा है। और अगर मैं कलीग्स की जगह कोई भी वर्ड यूज़ करता जैसे कि फ्रेंड हो गया तो आप कन्फ्यूज हो जाते कि फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, कि वेदर वो स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, नॉर्मल सोसाइटी के फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो मैंने जब वर्ड कलीग यूज़ करा तो आपने समझा कि वो एक ऑफिस में काम करते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे लुक्स क्या लग रहे हैं, आपको एक फ्लुएंट स्टोरी टेलिंग करनी होती है। तो आप सभी को अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अपना सोशल डोमिनेंस क्रिएट करना होगा। तो उसकी प्रैक्टिस कुछ लोग इस तरह से बताते हैं कि आप मिरर के सामने स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करिए, और अगर आपको मिरर के सामने भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है तो डू इट प्रैक्टिकली। आप कभी किसी से मिल रहे हैं तो सबसे पहले जो कन्वर्सेशन चल रही है उसको एब्जॉर्ब करिए, उसको समझिए कि वहाँ पर कन्वर्सेशन क्या चल रही है, और देन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो अगर आप धीरे धीरे पब्लिकली अपने ग्रुप में बोल लेते हैं तो आपका कैमरा ऑडियंस या फिर मेरा कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। तो सबसे पहले इन 5 पॉइंट्स पर आपको वर्क करना है। तो फ्रेंड्स आज के रूफटॉप सीरीज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी आने वाली सीरीज़ में
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस लाऊं, तो फटाफट से हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए हम आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर सोशल वीडियोस के टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।